देखते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर को यहाँ पर अरेस्ट किया जा रहा है, तो प्रदर्शन है इनका। अपनी सैलरी को लेकर वो उग्र हो चुका था और जिसके कारण यहाँ पर पुलिस ने अब इनको अरेस्ट कर लिया है। आप ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो आंगनवाड़ी वर्कर है जो यहाँ पर अपनी सैलरी अपनी वेजेस को लेकर यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, उन वर्कर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। जहाँ हम नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं आज इन बेटियों को इस हालात में जहाँ पर ये लगातार सरकार से एक ही डिमांड कर रही है कि इनके वेजेस को रिलीज किया जाए, उस रिलीज पर इनको अरेस्ट कर किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर ये कई बार प्रोटेस्ट कर चुकी हैं अपनी सैलरी को लेकर। यहाँ पर इनका साफ तौर पे कहना है कि हिरासत में अगर पुलिस हमें लेके जाती है तो हम इनसे, आंटी जी आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय डेली वेजर्स जो यहाँ आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिन्हें हिरासत में लिया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? हिरासत में एक गवर्नमेंट का काम है, दिल्ली गवर्नमेंट, हम इस गवर्नमेंट को कामयाब होने नहीं देंगे। हमारी बात नहीं मानती है, हमें 30 साल हो गए, 30 साल हमारी केवल हम 5,000 तक पहुंचे, 200 से लेके 5,000 तक पहुंचे हैं अभी तक 30 साल में। क्या होगा हमारा, हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हमें कुछ भी देती नहीं है सरकार, 10 महीने से हमें 1 रुपया भी नहीं दिया है, हम कहां से करें? ऑनलाइन काम करो, अरे 500 रुपये का रिचार्ज होगा, हम कहां से करवाएंगे उसको? तो यहाँ पर इनकी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि इनको जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनकी नाराजगी सरकार के साथ खुले तौर पर साफ तौर पर दिख रही है कि इस यहाँ जिस तरह से इनको अरेस्ट किया जा रहा है उसको लेकर ये सरकार से काफी नाराज हैं और लगातार ये डिमांड कर रही है कि हमारी जो वेजेस हैं हमारी जो पेंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर किया जाए। कोई बाहर से थोड़ा आया है, हमारी ही इंडिया का, हमारे ही हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। ICDF किसने बनाया? हमने तो नहीं बनाया ना, हमें भर्ती किसने किया? गवर्नमेंट ने किया। अगर उसके पास था ही नहीं कुछ भी तो हमें भर्ती करने का क्या फायदा जब हम 20-30 साल से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर किस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमने रोड ब्लॉक किया, हम साइड पे खड़े होकर इनसे बात कर रहे थे, गवर्नमेंट से बात कर रहे थे, इन्होंने जबरदस्ती फट के हमें गाड़ी के अंदर किया। हम देखिए क्या करेंगे, हमारा क्या करें, क्या कर सकते हैं? पुलिस से हम डरने वाले नहीं है, सरकार पुलिस है सर। आपने देखा आंगनवाड़ी वर्कर्स का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार क्या कर सकती है सिवाय गिरफ्तारी के। तो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते हुए यहाँ पर इन्हें गिरफ्तार कर किया जा रहा है। इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर जो आप प्रोटेस्ट कर रही हैं, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपको यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, तो क्या कहेंगे इस पर आप? ये भी हुआ, हमको गिरफ्तार हो जाएंगे अपनी डिमांड के लिए। एक तरह से इनका कहना है कि ठीक ही है, अगर गिरफ्तार होंगे शायद सरकार कुछ तो सोचेगी। लगातार अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए सरकार से ये अपील कर रही है कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। मांग इनकी कुछ ज्यादा नहीं, बस इतनी ही मांग है, जो इनकी सैलरी है इनकी वेजेस है उन्हें पूरा किया जाए। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये आज प्रोटेस्ट है आंगनवाड़ी वर्कर का, ये काफी अग्रेसिव हो चुका है। यहाँ पर गिरफ्तारियां भी की गई हैं पुलिस द्वारा। हम यहाँ पर जानेंगे, स्थिति के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं इनसे। आपसे जानना चाहेंगे कि गिरफ्तारी की क्या करेंगे? जी मैं कोट ब्लॉक से आंगनवाड़ी वर्कर पूजा। तो जैसे कि LG गवर्नमेंट से हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जो है वो ध्यान में रखा जाए, लेकिन कितनी देर से इन्होंने हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। हम मतलब काफी देर से तड़प रहे हैं। अभी जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला महीना पूरा फेस्टिव का था, दिवाली थी, करवा चौथ थी, लेडीज का, इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया। 10 महीने से जो है हमारी सैलरी पेंडिंग है। जब भी हम LG साहब से साफ मना कर देते हैं, हमारी कोई भी
टेबल टॉक उनके साथ नहीं होगे। अगर आंगनवाड़ी वर्कर इतने रोष में है कि अगर हमारी अभी भी बात नहीं सुनी गई तो पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा सरकार लगाती है। सर बेटी बचाओ बेटी मतलब पढ़ाओ का नारा सिर्फ ऐसे ही है, पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा यह है हमारी भारत का कि बेटी जितनी पढ़ी लिखी होंगी और बेटियों को बचाना है, उसी नारे को मद्देनजर रखते हुए आज जो जम्मू की बेटियां हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और सरकार की तरफ इनका रोष प्रकट यही कर रही हैं कि इनकी वेजेस इनकी पेंडिंग्स को क्लियर किया जाए ताकि ये भी अपने घर को आसानी से चला सके। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।